डीप, तो ये डीप क्या है? तो फिर ये जो मैं बोल रहा हूँ सभी साइज ब्लाउज के वेरिएशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि प्रिंसेस का सभी के लिए नेक आपको किस तरह लेना है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जैसे क्लोज वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे आप लोग, तो आप लोग क्या करना है जैसे कि हमें इस तरफ मेजरमेंट अगर लेंगे तो एकदम परफेक्ट होगा फ्रेंड। इसी से क्या होगा हमारा डेपनेस का पता चल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। और यही फॉर्मूला हम लेते हैं कभी कभी पैरेलल में लेते हैं, मगर यहाँ से नहीं लेंगे फ्रेंड। जैसे कि ये फुट यहाँ से जैसे कि रुकेगा कहां तक, ये जैसे कि लेंथी वाला में जब हम कटिंग करेंगे हमारा ये इसमें तो हम ऐसे लिया ठीक है, तो ये फुट जब हम कटिंग करेंगे तब यही रखना है। यानी कि अगर इसी तरह अगर लेंथी आपने फॉर्मूला लिया तो आपको लेंथी तरह पैरेलल लेना है, अगर आपने क्लोज वाला लिया है तो आपको हिसाब रखना है जैसे कि ये बाहर जाने के बाद कितना दूर जा रहा है उसी से हिसाब से आपको ये लेना है ठीक है। यानी कि उसी से हिसाब से आप इतना लेंगे अब ये ज्यादा चले जाएगा और तो ये देखिए ये बड़ा हो जाएगा, तो इसी से आपको नहीं लेना है। आप हमेशा काम कीजिए ऐसे लेंगे, पहले पहले जब आपके एक्सपीरियंस ग्रो करेगा तब आप ऐसे ले सकोगे ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे कि और एक तरीका है जैसे कि आप रिमेनिंग में आप ले सकते हो, यानी कि आपका रिमेनिंग कितना करना है ये अगर हम बोल दें जैसे कि आपको ये करना है तो ये ऐसे चलेगा, यानी कि ये सिक्स उसने बोल दिया तो ऊपर जितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता मगर नीचे सिक्स रहेगा हमारा बस। तो सिक्स अगर चाहिए तो हम नीचे में से सिक्स लेंगे ऊपर में से थोड़ा सा सिक्स लेंगे, तो फ्रेंड इसके लिए हम क्वार्टर क्वार्टर नहीं लेते, ऊपर में क्वार्टर से भी कम लेते हैं ठीक है। तो ये बैक पार्ट का गया है और ये है बैक पार्ट कटिंग करने के वक्त ये होता है आर्म होल का ये शेप होता है। तो ये आपको बहुत बार बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा तो फिर जैसे कि ये इसे कैसे करना है, तो मैंने एक मेजरमेंट इसमें दे दिया जैसे कि आपको जनरली कोई फॉर्मूला यानी कि बिजनेस के लिए कोई भी फॉर्मूला बनाए बेसिक का तो हमारे फॉर्मूला से आपको पता चलेगा उसी हिसाब से करना है। नहीं तो फ्रेंड आपका अगर किसी ने मेजरमेंट दे दिया आर्महोल का तो आपको पहले पहले क्या करना है, ये पता चल गया अब हमें बास्ट कटिंग करना है ठीक है, फुल लेंथ का पता चल गया बास्ट कटिंग करना है, उसके बाद वेस्ट कटिंग करना है ठीक है। तो मैं और एक बात बता दूं फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लेंथी होगा ठीक है, ये नहीं कि सारे वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में जैसे कि प्रिंसेस कट में क्या होगा सब ये हम करेंगे, इसलिए फ्रेंड सभी पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लाउज का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको सॉल्व भी हो जाएगा, फिटिंग से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो आर्म होल है ना आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 1/4 तक बास्ट यानी कि बास्ट अगर आपका 36 से 1/4 तक 9 होता है डिवाइड करने से 4 से ठीक है, तो हम 9 करेंगे और साथ ही साथ जैसे कि जनरली फॉर्मूला हम देते हैं माइनस जी और 3.5 कभी कभी 2 इसी तरह हम देते हैं। तो इससे पहले मैं और एक बात बता दूं तो फ्रेंड जैसे ये शोल्डर के ऊपर बहुत बड़ा भारी करता है, यानी कि जैसे कि हमारा शोल्डर ये लेंथी होता है तो ये कम हो जाता है ठीक है। आप समझिए ये अगर इस तरफ हमारा शोल्डर होता है जैसे कि हम लोग क्लोज वाला में शोल्डर करते हैं, मगर हम जब हाई नेक कटिंग करते हैं तो हमारा फ्रेंड कभी कभी माइनस नहीं चलता, यानी कि -3 और माइनस हम डेलीज भी करते हैं कभी कभी, यानी कि -3.5 हम नहीं कर सकते, यानी कि शोल्डर तो बड़ा हो गया और ये स्पेस छोटा हो जा रहा है, इसलिए माइनस का वो फॉर्मूला हम यूज नहीं करते। तब हम क्या करते हैं हमें देखना पड़ता है फ्रेंड जैसे कि हमें जिसका मेजरमेंट हम कर रहा है उसका आर्म होल कौन सा है उसी हिसाब से आपको अगर कभी कभी क्या करना है 1/4 तक बस्ट ही रखना है, यानी कि अगर 9 हो तो हमें 9 रखना है। तो क्यों हम 9 रखे फ्रेंड, जैसे कि इसमें शोल्डर का शेप आ जाता है ठीक है, तो शोल्डर का शेप आने के बाद जो रिमेनिंग रहता है तो उसी हिसाब से अगर हम देखें ये माइनस हम 3.5 करें तो वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से जब शोल्डर डाउन कर रहा है वो कम हो रहा है ठीक है। ये देखिए ऊपर में अब 9 करें तो ऊपर से शोल्डर डाउन होगा 1 इंच देर इज यानी कि 3.5 नहीं रहेगा यानी कि 1/2 इंच इतना सा ये डाउन हो रहेगा ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको करना है, तो दिमाग में एक चीज आपको रखना है जैसे कि शोल्डर कितना चाहिए
पहले आपको मार्क करना है और उसके बाद उसे फाइनल नहीं करना है, आपको ऐसे देखकर इसे घुमाकर देखना है, जैसे कि हमने शेप बताया ना बास कटिंग करने के बाद, तो उसी सब को देखना है। अगर आपका शोल्डर 15 इंच हो तो आपको बैक में 7 करना है फ्रेंड, ठीक है। साढ़े सात होता है, मगर हम हाफ इंच कम करेंगे यानी कि 1 इंच फ्रंट में ज्यादा हो जाएगा, 8-7-15 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अब ये देखिए ये ठीक हो जा रहा है, तो आपको ऐसे घुमाकर वो लाइन को फाड़िए, इसे चेस्ट लेंथ कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे कि इसे चेस्ट लेंथ कहते हैं, इसे शोल्डर कहते हैं, अब आपको वेस्ट कटिंग करना है, ठीक है। तो वेस्ट कटिंग हम कैसे करें, तो जैसे कि प्रिंसेस कार और प्लेन कार जो भी वीडियो हो, जो भी वेरिएशन हो, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 1/4 बास्ट प्लस हाफ इंच पेंट हम क्यू लें। बहुत लोगों ने हमें क्वेश्चन किया है जैसे कि आप हाफ इंच हम क्यू लें, तो हाफ इंच पेंट आपको लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कपड़ा में जब करेंगे यानी कि डायरेक्ट हम बैक पर करेंगे कपड़ा में, तो हम क्या करेंगे फिर 1/4 बास्ट प्लस हम थोड़ा सा क्वार्टर से भी कम, यानी कि 1/4 आप करें तो ठीक है, और आप 1/6 का जो मेजरमेंट होता है उसी से हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, तो यानी कि चारों साइड थोड़ा सा 6 आ जाता है, तो उसी से हम लाइन देते हैं, स्टिचिंग लाइन देते हैं। और जब पैटर्न बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1/4 बस्ट प्लस हाफ इंच। तो उसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने पैटर्न बनाकर रखा है घर में, तो कोई भी अगर इसे स्टिच करे तो सीम्स के लिए जो चाप होता है ना हमारा मार्जिन चला जाता है, तो उसी के लिए हम हाफ इंच देते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम सीम्स के लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका मेजरमेंट अगर 36 हो तो हमें 36 करना है हमें, तो हम क्यों सीम्स ले, अब हम तो पैटर्न नहीं कर रहे, हम तो डायरेक्ट स्टिचिंग लेवल दे रहा है, यानी कि। और एक बात बता दो फ्रेंड, जैसे कि आपको और आपको एक्स्ट्रा आपको मार्जिन रखना है तो उससे बाद आपको रखना है, यानी कि 1 इंच देरी सब जितना रखे वो सीम्स लाइन के बाद आपको रखना है, ठीक है, आगे नहीं, ठीक है। सीम्स लाइन है और आपका बास जितना है उसी से करना है, ये बेसिक लॉजिक है। और जैसे कि आपको किसी ने आपको ब्लाउज दे दिया तो आपको कोई दिमाग इधर उधर घुमाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा उसका माप ले और 1/4 तक करे, क्यों नहीं आ रहे थोड़ा सा मार्जिन दे, बस हो जाए, आपको वही करना है। जैसे कि कोई ब्लाउज है उसका आर्महोल जितना दे वही करना है, जैसे कि हमने ऑर्डर ब्लाउज मैंने दिखाया उसी हिसाब से आपको करना है। तो चलिए ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो अब हमें फ्रंट की ओर हम जा रहे हैं फ्रेंड, तो फ्रंट की ओर हम जा रहे हैं। ये तो फ्रेंड जैसे कि चोरी कर देख रहे हैं, ये डबल कटोरी है, ठीक है, यानी कि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, डबल कटोरी है। और सिंगल कटोरी में क्या होता है वो भी एक रिक्वेस्ट किया है, जैसे कि सिर्फ आप ये कटोरी हमें बताइए, यानी कि फ्रंट का पार्ट बताइए, एक रिक्वेस्ट आया है वो मैं करूंगा। और उससे पहले फ्रेंड इस वीडियो के बाद और एक वीडियो आएगा, जैसे कि कुछ स्टिच पैटर्न किया हुआ रखा है मगर स्टिचिंग पर नहीं दिया है, इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए फ्रेंड इस जैसे कि आपको चेस्ट लेंथ का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी, ब्लाउज के लिए चेस्ट लेंथ मेजरमेंट चाहिए। और हम एक क्या करते हैं, ये फ्रंट नेक डेप्थनेस कितना है, तो ये इसी से मेजरमेंट, जैसे कि मैंने अभी बोला बैक में, फ्रंट में भी आपको उसी तरह करना है, ठीक है, आप इसी तरह करें तो अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड आपको नॉर्मल बास का एक मेजरमेंट आपको लेना है, क्यों लेंगे फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कभी कभी हम लोग क्या करते हैं 32 साइज में हम 36 का भी ये बास्ट का जो बाटी बॉटल होता है वो हम लगाते हैं, यानी कि जो कटोरी होता है वो हम बड़ा कर देते हैं, तो वो क्यों करते हैं, ये तो फ्रेंड जैसे कि फिगर का वेरिएशन होता है, कभी कभी किसी का बास्ट का छोटा हो तो हम जैसे कि साइज में ही करते हैं, लगभग 2 इंच 3 तक आप लोग सेम साइज में कर सकते हैं, यानी कि 32 साइज का जैसे मैं हम लोग फार्मूला दे रहा हूँ उसी हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। और ये हम जो फार्मूला आप लोगों को देंगे बाद में ये वीडियो के समझने के बाद देंगे, तो फिर ये 100% आप इसी से ऑर्डरी का काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चेस्ट लेंथ के बारे में बताने से पहले आप लोगों को बोल दूं, जैसे कि ये चेस्ट लेंथ क्या है, तो जैसे कि ये बास खत्म होता है वॉक का एंडिंग होता है, यानी कि ये
एनडी के बाद हमारा ओएस टैग यानी कि हार्ड ओएस टैग ये ऐसे फिटिंग्स करना है हमारा, ठीक है। आप प्रिंसेस कट में ले तो प्रिंसेस कट के लिए जैसे कि ये एलिट का डार्ट उठता है व्हाट्सएप खत्म होने के बाद ये ऐसे वॉल्यूम उठता है बास के लिए, तो आपको उसी हिसाब से करना होता है। और जैसे कि ये क्रॉस पॉइंट, ये क्रॉस पॉइंट देख रहे हैं आपको, ये क्रॉस पॉइंट से जब जैसे कि प्रिंसेस में ये हम करते हैं और ये इसके इससे नीचे से जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा हम ले लेते हैं, ये ऐसे मेजरमेंट आपको लेना पड़ता है जैसे कि ये मैंने बताया। और चेस्ट लेंथ होगा मगर जब कटिंग करेंगे अगर आपका चेस्ट लेंथ ये देखे मैंने 11 इंच हुआ तो आपको लेना पड़ेगा ऊपर से हाफ इंच से थोड़ा सा कम और नीचे में से हाफ इंच थोड़ा सा बड़ा लेना है जैसे कि मैंने देखा है। ये आप लोगों को सिखाने के लिए फ्रेंड आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं यानी कि हाउ टू कट बैक पार्ट, हाउ टू कट एस, इसी तरह मैंने पार्ट वाइज भी सिखाया है।